मेरा दुख होता है ये बोलने में कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। ट्विटर पर बहुत लंबे समय से बायकॉट बॉलीवुड या बॉलीवुड की गंदगी या बायकॉट बॉलीवुड कम्प्लीटली जैसे हैशटैग रन हो रहे हैं। कारण अलग अलग रहे हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, ड्रग्स, बोल्ड मूवीज़, रिलीजन वगैरह वगैरह। हालांकि इस बायकॉट का मूवीज़ के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना ही फिल्मों के कमाई पर, लेकिन ये एक नेगेटिव वेव की तरह है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने कोलकाता के एक इवेंट पर इस पर थोड़ी टिप्पणी की थी जब उनकी फिल्म पठान का बायकॉट हो रहा था। लेकिन अब एक्टर सुनील शेट्टी ने इस पर खुलकर बोला है जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने वाली है जिसके संबंध में यह चर्चा हुई थी। इसी इवेंट में सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड को बायकॉट करने के ट्रेंड का विरोध किया और कहा कि बॉलीवुड में सब गलत नहीं है। कुछ सरे हुए सेब की वजह से पूरी टोकरी के फल को सरा हुआ नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता है, सब बुरे नहीं हैं, सब बुरा काम नहीं करते हैं। केवल 1% लोग ऐसे हैं जबकि 99% बढ़िया काम कर रहे हैं। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि आजकल लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड अच्छी जगह नहीं है, जबकि सिनेमा से सोसाइटी को बहुत कुछ मिला है। म्यूजिक ने कई देशों से भारत के अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद की है। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की कि वो इस नेगेटिविटी को खत्म करने में मदद करें और पीएम मोदी से भी इस बायकॉट ट्रेंड के मामले पर चर्चा करें। उनके इस पहल से ही बॉलीवुड पर लगा यह कलंक, यह नेगेटिविटी दूर हो सकेगी। सुनील शेट्टी अपने इस बयान से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके समर्थन और विरोध दोनों में लोगों के कॉमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे सुनील शेट्टी का गिरगिराना समझा बॉलीवुड पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए, जबकि कुछ लोग इसे सुनील शेट्टी की एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।